22 जुलाई 2019 यह ऐसा दिन था जिस दिन ने हम सभी भारतवासियों को गर्व महसूस करने का मौका दिया। चंद्रयान 2 के सफलता पूर्वक लॉन्च होते ही हम सभी के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम चंद्रयान 2 से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिसे जानकर आप सभी एक बार फिर गर्वान्वित महसूस करेंगे। दोस्तों, चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग तो हो गई है, लेकिन चंद्रयान 2 अभी कुछ दिनों तक पृथ्वी का ही चक्कर लगाता रहेगा। जब चंद्रयान 2 पृथ्वी के ग्रेविटी की मदद से उस गति पर आ जाएगा जो गति उसे चाहिए, तब वह चंद्रमा की ओर बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि हमारा इसरो मशहूर है कम बजट में बड़े बड़े स्पेस प्रोग्राम को करने में। ऐसा करने से चंद्रयान 2 को चांद तक पहुंचने में कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिससे इसरो कम पैसे खर्च करके चांद तक पहुँच पाएगा। लगभग 48 दिनों के बाद चंद्रयान 2 चांद के ऑर्बिट में पहुँचेगा और 7 सितम्बर 2019 को विक्रम नाम का लैंडर की धरती तक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और हमारा रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है वह चांद की धरती पर चलेगा। दोस्तों, यह भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत अपने रोवर को चांद की धरती पर उतारेगा, क्योंकि अब तक 3 ही ऐसे देश हैं जो चांद की धरती पर सफलतापूर्वक अपने रोवर को ऑपरेट कर पाए हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो हम दुनिया के चौथे ऐसे देश बन जाएंगे जो चांद पर अपने रोवर को ऑपरेट कर रहे होंगे। न सिर्फ ऑपरेट कर रहे होंगे बल्कि उस रोवर द्वारा ढेर सारा इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा कर रहे होंगे। रूस, अमेरिका और चीन पहले ही अपने रोवर को सफलतापूर्वक चांद की धरती पर ऑपरेट कर चुके हैं, जबकि भारत इस लिस्ट में शामिल होने ही वाला है। प्रज्ञान जो कि भारत का रोवर है, चांद की धरती पर सिर्फ एक दिन काम करेगा, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। दोस्तों, एक दिन का मतलब यह है कि चांद का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है, यानी चांद पर धरती के मुकाबले 14 दिनों का एक दिन होता है तो रात भी 14 रातों का होता है। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारा रोवर है वह चांद पर चलने के लिए जो एनर्जी का इस्तेमाल करेगा वह सूरज से सौर्य ऊर्जा द्वारा प्राप्त होगा। ऐसे में जब वहां लगातार 14 रातों तक रात होगा तब प्रज्ञान को ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगा। 14 रातों के मून हॉलीडे के बाद जब हमारा प्रज्ञान वापस काम पर आएगा तो वह फिर से हमें इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने चंद्रयान 2 को लेकर कई सवाल पूछे हैं, जिसमें से एक सवाल यह भी है कि क्या भारत को चंद्रयान 2 जैसे महंगे मिशन को करना जरूरी था जिसमें 978 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज यह मिशन महंगा जरूर लग रहा है, लेकिन भविष्य में हमें चंद्रयान 2 के द्वारा भेजी गई इन्फॉर्मेशन काफी काम आएंगी। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि चंद्रयान 2 भविष्य में हमें क्या क्या फायदे पहुंचा सकती है। चंद्रयान 2 चांद के कई ऐसे राज खोल सकता है जिस राज को आज तक कोई नहीं खोल पाया है, क्योंकि हम चांद के उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां जाने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 7 सितंबर को जब हमारा चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में पहुंचेगा और हमारा विक्रम और प्रज्ञान चांद के धरती पर उतरेंगे, तब हम 132 करोड़ भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा होगा। हमें गरीब और सपेरों का देश कहने वालों के सीने पर सांप लौट रहा होगा और हम प्रज्ञान द्वारा भेजे गए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के बदौलत अपने देश और स्पेस प्रोग्राम को और ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे होंगे। इसके अलावा चंद्रयान 2 वहीं से काम करना शुरू करेगा जहां से चंद्रयान 1 ने काम करना बंद किया था, यानी चंद्रयान 2 ठीक उसी जगह पर लैंड करेगा जहां चंद्रयान 1 ने पानी के अंश ढूंढे थे। इस मिशन में भारत कुछ ऐसे खोज कर सकता है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। चंद्रयान 2 अगर चंद्रमा पर पानी के होने का पुख्ता सबूत दे देती है तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि यह भारत की कितनी बड़ी खोज होगी। और इतिहास गवाह है कि भारत ने जब भी दुनिया को दिया है तो कुछ ऐसा दिया है जिससे ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी इंसानी सभ्यता एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। भारत ने दुनिया को शून्य दिया है और शून्य इंसानी सभ्यता में क्या महत्व रखती है हम और पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। और शायद अब भारत एक बार फिर दुनिया को कुछ ऐसा देने वाला है जिससे ह्यूमन सिविलाइजेशन स्पेस क्षेत्र में एक अलग ही लेवल पर पहुंच सकती है। इसरो चंद्रमा के साउथ पोल पर अपने रोवर को उतारने वाला है जहां पानी के होने के सबूत तो मिले ही हैं, साथ ही उस क्षेत्र में हीलियम-3 के भरपूर मात्रा में होने की भी संभावना है। अगर चंद्रमा पर उस क्षेत्र में जहां हमारा इसरो पहुंचने वाला है वहां पानी और हीलियम-3 दोनों उपस्थित हैं तो स्पेस क्षेत्र में इसरो क्रांति ला देगा। और बड़े बड़े देश चांद के साउथ पोल पर पानी और हीलियम-3 मौजूद होने के कारण बेस बनाने में लग जाएंगे।
हीलियम 3 के होने के कारण चांद पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन प्रैक्टिकली करना पॉसिबल हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन सूर्य में लगातार होने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें अपार एनर्जी होती है। अगर इंसान इस एनर्जी का इस्तेमाल करना सीख जाए तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात तो हमारे पास कभी ना खत्म होने वाली अपार एनर्जी का स्रोत होगा जिसका इस्तेमाल हम कई क्षेत्रों में कर सकेंगे। हमारे पास एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक जाने वाली स्पेसक्राफ्ट में जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वह मौजूद होगी, और हम जो आज चांद पर ही इंसानों को भेजने के लिए सोचते हैं वहीं इस ऊर्जा के आ जाने से एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक आसानी से जा और आ सकेंगे। हम 132 करोड़ भारतीयों को उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जिस दिन चंद्रयान 2 चांद पर उतरेगा और हम भारतवासी दुनिया के किसी भी कोने में होंगे। चांद को जब भी देखेंगे तो अपने दिलों में जरूर सोचेंगे कि उस चांद पर तो हम भी पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, इस वीडियो को अभी लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पूरा भारत इसरो के इस कारनामे को जान सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।